गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपके दोस्त यानी के होस्ट आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंजॉय कीजिए और कोई लाइक करना ना भूले वीडियो को। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज बनाने जा रही हूँ राम नवमी के स्पेशल हेल्दी ड्रिंक। तो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट ले लिया है रेड बनाना, आलमंड, अखरोट, काजू, किशमिश और अंजीर। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया और मिल्क को पहले से उबल के ठंडा होने के बाद मैंने फ्रिज पर रख दिया। तो साथ में मैंने एक मिक्सचर का जार ले लिया है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं और उसमें जो आलमंड था वो मैं मिल्क पे डाल दिया थोड़ा नरम होने के लिए। उसके बाद हम बनाना को छोटे छोटे पीस करके मिक्सर के जार में डाल देंगे। और दोस्तों ये ड्रिंक मैं बहुत ही हेल्दी बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये विदाउट शुगर है, क्योंकि शक्कर हर ड्रिंक्स में देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बिना शक्कर के भी ड्रिंक्स बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस करके बनाना ऐड कर रही हूँ। अब उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मिल्क में थोड़ा आलमंड ऐड कर दिया था, तो अभी जार में ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और दोस्तों एक बात, मैंने यहाँ पर रेड बनाना लिया है, आप चाहे तो येलो बनाना भी ले सकते हो या ग्रीन बनाना भी ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है। तो देखिए ये 50% मिक्स हो चुके हैं। अब फिर से मिल्क ऐड करके दोबारा उसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़े थोड़े मिल्क डाल के भी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा हेल्दी ड्रिंक्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब एक ग्लास ले लेती हूँ सर्व करने के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, वो सजावट के लिए है, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आलमंड एंड पिस्ता है आप उसी से भी डेकोरेट कर सकते हो, थोड़ा चेरी भी डाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप सभी को रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान की कृपा हम सब पे बने रहें।